नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर पुलिस ने सीएसपी संचालन से लूट के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं समस्तीपुर नगर थाने में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसपी ने बताया कि 15 जुलाई को बैंक से पैसे निकालकर 3 ग्राहक वापस लौट रहे सेवा केंद्र संचालकों से अपराधियों ने 8,55,000 रुपए लूट लिए थे। समस्तीपुर की पुलिस ने सीएसपी संचालन से लूट के मामले में उद्भेदन करते हुए गिरफ्तार किया। समस्तीपुर नगर थाना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसपी विकास वर्मन ने बताया कि इन अपराधियों ने 15 जुलाई को खानपुर थाना क्षेत्र के खतुकाहा चौक के पास बैंक से पैसा निकासी कर लौट रहे 3 ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों से अपराधियों ने 8,55,000 रुपए लूट लिए थे। एसपी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा खानपुर थाना में अज्ञात लोगों खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के उद्भेदन के लिए सदर डीएसपी प्रतीश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया गया, जिसमें खानपुर थाना सहित वारिस नगर, कल्याणपुर, मुफस्सिल थाना, नगर थाना और डीआईयू के द्वारा की गई सूचना संकलन, तकनीकी अनुसाधन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वारिस नगर थाना क्षेत्र के कुछ पुराने अपराधी की गतिविधियां खानपुर थाना क्षेत्र में देखी गई थी। कई बार मोटरसाइकिल से भ्रमण करते हुए देखा गया था। इसको लेकर पाली शहर के पुराने अपराधियों पर नजर रखी गई, जिसमें मनीष राय और अखिलेश राय की गतिविधि संदिग्ध पाए गए। इसके बाद टीम ने उसके घर पर छापेमारी की, जिसमें उसके घर पर लूट की रकम और लूट के प्रयुक्त बाइक भी बरामद किया गया। उसके पास से लूट के 1,75,000 रुपए भी बरामद किए गए। उसके बाद उससे बहुत सख्ती से पूछताछ की, तब उसने अपने बाकी साथियों के नाम बताए, जिसमें अखिलेश राय उर्फ अटल, विकास कुमार, राजा बाबू, जितेंद्र कुमार सहित अन्य अपराध कर्मियों के बारे में बताया। इस कांड में एक चौकीदार का बेटा भी शामिल है, जिसने लाइनर की भी भूमिका निभाई। एसपी ने बताया इस मामले में 8,55,000 रुपए में से 5,55,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त 2 अपाचे बाइक सहित 4 मोबाइल और लूट के समय मनीष राय का पहना शर्ट भी बरामद हुआ है। 7 रुपए का बैग भी बरामद किया गया है। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि दिनांक के 15 जुलाई को खानपुर थाना क्षेत्र में 3 सीएसपी संचालक जो बैंक से पैसा लेके जा रहे थे, कुल रकम जो 8,55,000 की लूट हुई थी, अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा किया गया। कुल कितने अपराधी पकड़े? अभी तक कुल 3 अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। शेष अपराधियों के लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस कर रही है।